हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस समय चल रही है डोमिनार सीरीज, और डोमिनार सीरीज में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डोमिनार 250 का चेन लूप और चेन क्लीन। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम चेन लूप, आपने कहीं पे भी देखा होगा, नॉर्मली जो चेन लूप चेन क्लीन करते हैं वो करते हैं बैक साइड से। बैक साइड में हमारे पास जो ब्रश होता है उससे लगा के चेन लूप चेन क्लीन करते हैं, बट मैं ऐसे नहीं करने जा रहा हूँ। मैं आपको प्रॉपर तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप चेन लूप चेन क्लीन करेंगे तो आपका जो चेन पॉकेट है उसके अंदर फंसी हुई सारी गंदगी बाहर आ जाएगी। तो मैं जो इक्विपमेंट यूज करने जा रहा हूँ उसमें यूज करने जा रहा हूँ एक ये ब्रश, दूसरा है मोटुल का चेन ल्यूब, और तीसरा है चेन क्लीनर। मोटुल का ये C1 C2 और ब्रश। ब्रश आप कोई भी यूज कर सकते हैं, टूथब्रश भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास इस तरह का ब्रश नहीं है तो उससे भी काम हो जाएगा। और चेन लूप चेन क्लीन मैं मोटुल का यूज करता हूं, बट आप चाहें तो किसी और को भी यूज कर सकते हैं, किसी और ब्रांड का, बट ये रिकमेंडेड है क्योंकि ये बहुत अच्छी कंपनी है। उसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कैरोसिन भी यूज कर सकते हैं, कैरोसिन से भी अच्छी होती है, बट पेट्रोल यूज मत करिएगा क्योंकि पेट्रोल में क्या आता है, सल्फ्यूरिक प्रॉपर्टीज होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि आप चेन एक या दो बार तो साफ कर सकते हैं, उसके बाद अगर करेंगे तो आपकी चेन खराब हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं कि कभी भी आप सर्विस सेंटर पे सर्विस करवाते हैं तो वो जो चेन ल्यूब करते हैं, जो उसमें ऑयल डालते हैं, वो डालते हैं इंजन ऑयल, जो कि बहुत गलत होता है। इंजन ऑयल निकला हुआ डालते हैं, वो बहुत गलत होता है, आपकी गाड़ी की चेन की लाइफ को, चेन स्पॉकेट की लाइफ को ड्रास्टिकली डिक्रीज कर देता है। तो बेटर ये रहेगा कोई अच्छी कंपनी का, उसको बोले चेन ल्यूब ही यूज करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर, ये है हमारा चेन स्पॉकेट, तो इसको ओपन करूंगा, ये तीन नट बोल्ट, और ओपन करने के बाद यहाँ बैक साइड से भी क्लीन करेंगे और नीचे से भी क्लीन, तो पूरी चेन को क्लीन करते हैं। सबसे पहले ओपन करते हैं ये टूल किट निकालते हैं, और टूल किट निकालने के बाद हमको चाहिए होगा 8 और 9 नंबर का स्पैनर, तो उससे हम ओपन करेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों को खोलेंगे। इसको ओपन करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बट नॉर्मली जो सभी लोग यूज करते हैं, वैसे तो मोस्टली लोग अपने घरों पे नहीं करते, बट मैं रिकमेंड करूंगा एक टाइम के बाद आप चेन लूप चेन क्लीन जरूर करते रहें। इससे क्या होता है, आपकी चेन स्पॉकेट खराब नहीं होगा और उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। अभी आप देखेंगे ये कितना गंदा हो रखा है, इसके अंदर देखिए ये पूरी गंदगी यहाँ पर इकट्ठी हो रखी। मैं रेगुलरली, अगर मैं राइड पे था, सच पास राइड पे, तो मैंने बाहर से चेन लूप चेन क्लीन प्रॉपर की थी। देखिए चेन इतनी ज्यादा गंदी नहीं है, बट यहाँ ये गंदगी फंसी है, वही गंदगी होती है जो बाहर से चेन के थ्रू आती है और यहाँ पर फंस जाती है। तो इसके लिए इस पार्ट को ओपन करके चेन लूप चेन क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर की ये जो गंदगी है इसको हम लोग क्लीन करेंगे। ये देखिए इसको क्लीन करेंगे, क्योंकि जब बैक साइड से, अगर रियर व्हील से आप क्लीन करेंगे ना, तो ये चीज क्लीन हो ही नहीं सकती। और ये देखिए क्लोज व्यू में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा यहाँ पर, ये देखिए इतना ज्यादा ये भरा पड़ा है यहाँ पे। तो ये चीजें क्लीन करने के लिए ना यहाँ से क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और क्या, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपके पास टूथब्रश है तो उससे कर लो, नहीं तो ये 99 रुपीज का मिलता है ऑनलाइन, इसको मंगवा लो। इसको क्लीनिंग ब्रश बोलते हैं और चेन लूप चेन क्लीन के लिए ही यूज होता है ये जो है इतने ज्यादा हार्ड होते हैं कि आराम से इसके अंदर चले जाएंगे और पूरा प्रॉपर क्लीन कर देगा। ये पूरा भरा हुआ था यहाँ से, अब क्लीन हो गया है। अब ये होने के बाद अब हम मारेंगे इसमें चेन क्लीनर। तो आप इसको बस यहां से ये मार दीजिए, ये इससे क्लीन कर देगा इतना पार्ट। यहां से आप इस तरह इसको क्लीन कर सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे मारा, एक दो बार और मारते हैं इसको, इतने इस पॉकेट एरिया को क्लीन कर दिया। इस पॉकेट को भी ऐसे क्लीन कर देंगे, जिसकी वजह से क्या है कि ये साफ हो जाएगा। ये देखिए पूरा साफ चमक गया एकदम। तो वहां पर करने के बाद अब हम इधर बैक साइड में करेंगे। वैसे सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप सबसे पहले बैक साइड यहाँ रियर से पूरा क्लीन कर लें, और जब क्लीन करने के बाद 5 मिनट रुक जाएं, जो सारी गंदगी नीचे आ जाएगी, और गंदगी सेटल होने के बाद फिर आप इस पॉकेट एरिया क्लीन करें। बट हम यहाँ पर कर रहे हैं अभी, और ये पूरा इसमें इसको ब्रश को इस तरह फंसाना है और इससे पूरी क्लीन हो जाएगी ये आपकी। और अगर आप टूथब्रश से करते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मोटुल का चेन क्लीनर सबसे बेस्ट होता है। अब हम क्लीन करेंगे यहाँ रियर साइड से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें मारना है और यहाँ पर ब्रश फंसा लेंगे। ब्रश फंसाने के बाद इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में व्हील को घुमाते रहेंगे और
चेन क्लीनर मारते रहेंगे, ब्रश इस तरह फंसा देंगे। इस तरह के ब्रश में बेनिफिट ये हो जाता है कि थ्री साइड से आपकी पूरी चेन एक साथ क्लीन हो जाती है, मतलब ये पोर्शन भी, ये भी और ये भी, इससे आपका पूरा यहाँ पर ये क्लीन होता रहेगा। तो पूरा राउंड कंप्लीट यहाँ कर लें, उसके बाद चेन इस पॉकेट वाला एरिया साफ करें जो मैंने अभी पहले करके दिखाया था, एक बार और करेंगे। तो ये आपकी पूरी, अब देखिए पूरा चेन ऊपर से नीचे तक क्लीन होके आ गई है। तो व्हील घुमाने के साथ में नीचे एक कपड़ा भी लगा लो, अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे, मैक्सिमम 5 मिनट में आपकी पूरी चेन क्लीन हो जाएगी। जो अब BS6 मॉडल आ रहा है उसमें मेन स्टैंड नहीं होता, इसकी वजह से क्या है, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तब आप यहाँ बैक साइड से पहले कर सकते हो। अगर आपके पास कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है तो बेस्ट वे यही रहेगा कि पहले आप इस पॉकेट क्लीन कर लें, फिर आप नीचे से वहाँ से ये जो पोर्शन है यहाँ से एक एक करके चेन क्लीन करते रहें। और यहाँ पर ये देखिए पूरी गंदगी इसके अंदर आ गई है। ब्रश से क्लीन करने के बाद आप चाहें तो एक बार थोड़ा सा और मार दें और इसको कपड़े से पोंछते जाएं। कपड़ा आप साफ ले लें, और मेरी चेन काफ़ी क्लीन हो गई है, तो देखिए बहुत ज़्यादा गंदगी अब नहीं निकल रही है। आपने ब्रश से तो ये पूरा पार्ट कर दिया, आप चाहें तो चेन को एक बार यहाँ से ऐसे भी पोंछ सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप पूरी चेन आपकी जो है ना क्लीन हो गई है, इस पॉकेट पूरा साफ दिख रहा है। तो अब टाइम आ गया चेन ल्यूब करने का। चेन ल्यूब करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मोटुल का C2, ये वन ऑफ द बेस्ट है। तो मोटुल कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे होते हैं। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, बस इसको यहाँ पे लगाना है, और इसमें लगाने के बाद इसको यहाँ से चेन ल्यूब कर लेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे ल्यूब करते जाएंगे। चेन ल्यूब, चेन क्लीन हो गया, और देख रहे हो कितनी बढ़िया सफाई हो गई है, मतलब किसी तरह का कोई मेहनत नहीं लगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और आप इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं। बट मेन चीज़ ये है कि इसमें एक स्टैंड नहीं है, मतलब मेन स्टैंड नहीं है, इसकी वजह से क्या आप व्हील घुमा नहीं सकते। बट इस काम के लिए एक स्टैंड आता है, तो आपको मैं, आप फोटो देख रहे होंगे, तो इस तरह का स्टैंड आप चाहें तो अलग से परचेज कर सकते हैं, फिर आप सिंगल हैंडेड इस काम को खुद भी कर सकते हैं, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको क्लोज करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरीके से करने से क्या हो जाता है कि आपकी चेन प्रॉपर हो जाएगी। होता क्या है, जो डस्ट वगैरह बैक साइड से आती है और घूम के यहाँ पर फंस जाती है, जैसा कि आपने देखा होगा, मैं अभी सचपास से जब आया था तो मैंने कई जगह पे कई बार चेन लूप चेन क्लीन की थी, लेकिन वो डस्ट जो यहाँ फंसी थी वो क्लीन नहीं हो पाई थी। तो उसके लिए बेस्ट तरीका यही होता है, क्योंकि ऑन द गो क्या होता है कि हर बार हम इसको ओपन करके नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले आप इस तरह करिए, इसकी वजह से क्या है कि आपकी प्रॉपर चेन लूप चेन क्लीन होगी। फाइनली चेन लूप चेन क्लीन हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ बातें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको करने के बाद। सबसे पहले तो किसी अच्छी कंपनी का चेन लूप और क्लीनर ही यूज़ करें। मैं यूज़ करता हूँ मोटुल का, आप किसी और कंपनी का भी यूज़ कर सकते, बट आप इंश्योर कर लें कि वो अच्छी कंपनी हो। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।